तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बिग बैश टूर्नामेंट का कल के दिन का पहला मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये भाई मैच पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से, अब भाई ये रिशेड्यूल्ड हुआ है। तो भाई ये मैच कल मॉर्निंग में 7:35 पर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से खेला जाएगा। मैच भाई काफ़ी अच्छा लगा और यहां पर हम काफी अच्छी विनिंग करने वाले इस मैच में। तो वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो इजीली भाई आप काफी अच्छी विनिंग कर लोगे। लगातार भाई मैं आपको 21 मैच जैकपॉट दे चुका हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बिग बैश लीग के। तो बिग बैश लीग के लगातार 21 मैच हमारे लिए काफी बेहतरीन गए हैं और एक भी मैच ऐसा नहीं जिसमें भाई हमारा बिल्कुल लॉस हुआ हो। या तो भाई हमारे मैच एवरेज गए या फिर भाई अल्ट्रा क्लीन स्वीप गए, ठीक है। लॉस वाले मैच अभी तक नहीं दिए मैंने लगातार 21 मैच से, पिछले रिकॉर्ड बनता जा रहा है और भाई ये रिकॉर्ड मैं चाहता हूं कि आगे हम कंटिन्यू रखें। और भाई मैं इसीलिए पूरी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप भी प्लीज यार इतना ही सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पर प्यारे प्यारे कमेंट करो, कुछ आपके सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो चलिए सबसे पहले भाई दोनों टीम्स की स्क्वाड एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं भाई जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। फुल एंड फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाइए भाई अभी की अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो अगर भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते तो भाई आप फाइनल टीम नहीं ले पाओगे, और बिना फाइनल टीम के भाई मतलब विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। तो चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स की स्क्वाड की। तो यहां पर भाई जैक एडवर्ड्स ओपनिंग करते दिखेंगे आपको जोश फिलिपे के साथ, इसके बाद मोइसेस एनरिकेज, इसके बाद डैनियल क्रिश्चियन खेलते नजर आएंगे। डैनियल भाई इनका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये कभी तो भाई वन डाउन भी खेल लेते हैं, कभी टू डाउन, कभी भाई 6 नंबर तक भी बैटिंग नहीं आती बेचारे की, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ये चीज आपको खुद से देखनी पड़ेगी कि अब आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं डैनियल के ऊपर। लास्ट मैच में भाई इसने 0 रन बनाए, तो ये भी आप थोड़ी ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करें तो जस्टिन अवेंडो आपको दिख जाएंगे, सीन एबोट आपको दिखेंगे, एडन केयर दिखेंगे, इसके अलावा बैंड ओरसिस आपके लिए खेल मतलब आपके लिए क्या भाई टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। जैक्सन बट शायद भाई इस मैच में आपको ना दिखे, नाथन लोयन भाई स्क्वाड में आ गया है तो ये भाई आपको खेलता हुआ दिखने वाला है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। तो यहाँ पर भाई स्टीव ओकैफी और नाथन लोयन में से कौन खेलेगा ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हालांकि लास्ट मैच में मतलब लास्ट मैच में भी स्टीव ओकैफी नहीं खेला था, इंजर्ड था, तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर आप ब्रिस्बेन हीट की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर मैक्स ब्रायंट दिखेगा, क्रिस लिन दिखेगा, बैन डकेट, सैम हिट्स, इसके अलावा भाई नाथन मैक्सविंसी आपको दिखेगा, जिमी पियर्सन टीम का कैप्टन भाई लेकिन बैटिंग बॉलिंग से बिल्कुल बिल्कुल मतलब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो इसको आप ट्राई मत करना, ट्राई करना चाहो तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना। अगर जेवियर बार्टलेट खेलता तो भाई आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेहतरीन ट्रंप प्लेयर रहेगा, इसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा सकते हो जीएल में। मार्क स्टेगेटी टीम का अभी तक सबसे कामयाब गेंदबाज आपको इस टीम में मतलब इस मैच में खेलता दिखेगा। मिचेल स्वेप्सन की बता दूं भाई देखो फर्स्ट इनिंग में आपके लिए एवरेज पिक रहेगा, लेकिन भाई अगर सेकंड इनिंग में इसकी बॉलिंग आती है तो भाई आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में अगर ब्रिस्बेन की टीम थोड़ा सा अच्छा स्कोर बना देती है तो मिचेल स्वेप्सन के ऊपर बल्लेबाज रिस्क लेने जाएंगे और भाई बिल्कुल ईजिली यहाँ पर आउट हो जाएंगे, तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रखना। सेम भाई नाथन लियोन के लिए फर्स्ट इनिंग में एवरेज पिक रहेगा, सेकंड इनिंग में बेहतरीन से भी ऊपर की पिक रहने वाला है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है भाई, उस पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की डेमो टीम की। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भाई दो इंपॉर्टेंट विकेट कीपर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, जोश फिलिपे और भाई यहाँ पर बैन डकेट, दोनों आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर की पिक होने वाले, तो दोनों को आप अपनी टीम में जरूर से लेके चलना। यहाँ पर बैन डकेट भी काफी अच्छी फॉर्म में और जोश फिलिपे भाई हिट एंड मिस टाइप बल्लेबाज हो रहा है, मतलब अभी किसी मैच में तो बेहतरीन चलता है, किसी मैच में भाई बिल्कुल फ्लोप हो जाता है, फिर मतलब एक मैच में चल रहा है दो मैच में फ्लोप हो रहा है, ऐसा कुछ इसका चल रहा है। वहीं अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में तो यहाँ पर आपको क्रेडिट भी इशू मतलब क्रेडिट इशू भी काफी ज्यादा आने वाला है, तो यहाँ पर भाई आप क्रिस लिन के साथ जा सकते हो, मोइसेस एनरिकेज भी बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आप दोनों को लेना चाहो तो दोनों को भी ले सकते हो, बट भाई क्रिस लिन की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, तो मैं यहाँ पर भाई थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ पर भाई मैक्स ब्रायंट लास्ट मैच में ओपनिंग की थी, बेहतरीन मतलब पार्टनरशिप की थी और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, यहाँ पर मैक्स ब्रायंट को आप ट्राई कर लेना, जैक एडवर्ड्स को आप ट्राई कर सकते हो, इससे आपको क्रेडिट भी मैनेज हो जाएंगे और भाई ये आपके लिए एक मतलब ट्रंप कार्ड प्लेयर या फिर डिफरेंशियल पिक आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि ओपनिंग करेगा और अगर भाई 50-60 रन बना गया तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो आपको दिखेगा
सीन अबाउट दिखेगा मारनस लेमू छाने के। भाई न्यूज आ रही है कि ये मतलब स्क्वाड में शामिल होगा, लेकिन अभी तक स्क्वाड में शामिल हुआ नहीं है। अगर शामिल होता तो भाई मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मिचेल नेसर आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर का प्लेयर होने वाला है। अगर भाई लास्ट मतलब ये मैच खेलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा भाई जेम्स बेजली को मैं अपनी टीम में रखूंगा। शादाब खान जा चुका है तो उसको हम ट्राई करेंगे नहीं। यहाँ से डैनियल क्रिश्चियन को आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर की पिक हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई मार्क स्टेगेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा थोड़ा नीचे चलोगे तो भाई बैन डोर्सिस आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर की पिक होने वाला है। और अब यहां पर देखो जेवियर बार्टलेट अगर इस मैच में खेलता है तो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा भाई एडन केयर भी आपके लिए एक विकेट टेकिंग गेंदबाज मतलब रहने वाला है। यहां पर पिछले कुछ मैच को छोड़ दो, उससे पहले भाई लगातार आप देखो लगातार विकेट निकाल रहा था, बिल्कुल लगातार। मतलब इसके स्टार्टिंग में तो इसके साथ पता क्या हो रहा था, इसको टीम ना तो कंप्लीट ओवर दे रही थी और भाई पता नहीं कैसे ये किस्मत से विकेट निकाल रहा था। और मेरे को लगा नहीं था ये इतना अच्छा गेंदबाज है, बट भाई काफी अच्छा गेंदबाज निकला। विकेट टेकिंग डिलीवरीज काफी ज्यादा डालता है और भाई इसके ऊपर बैट्समैन आउट भी काफी ज्यादा होते हैं, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। आप इसे जीएल मिनी जीएल में कैप्टन वॉइस कैप्टन कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देखो यहां से स्टीव ओ'कैफी शायद आपको ना खेलते नजर आए क्योंकि नाथन लायन आ चुका है। तो देखो इसका सिलेक्शन अभी सिर्फ 1% है, तो अगर भाई आप चाहो तो आप इसे जीएल मिनी जीएल में कैप्टन बना सकते हो, बेहतरीन प्लेयर रहने वाला है। और मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा जैक्सन बर्ड अगर खेलता है। और भाई सिडनी सिक्सर्स की अगर पहले बॉलिंग आती है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें तो नीचे आके मिचेल स्वेप्सन आपके लिए सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्लेयर रहेगा। जेवियर बार्टलेट भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए, सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए, प्लस भाई कुछ बैटिंग में रन भी बना के देगा। इसका ये सबसे बड़ा फायदा भाई हिट्स को कि यहां पर जेवियर बार्टलेट बैटिंग भी करके देगा और ऊपर से भाई यहां पर मार्क स्टेगेटी ये भी भाई आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने की मतलब अपनी काबिलियत रखता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी देखनी है, अगर जेवियर बार्टलेट खेलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। फिर आप यहां से एक ऑलराउंडर जैसे कि डैनियल क्रिश्चियन को आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि इनके ओवर्स कंप्लीट मिलेंगे या नहीं कंफर्म नहीं होता, साथ ही साथ भाई बैटिंग ऑर्डर इसका कंफर्म नहीं होता। तो अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप डैनियल क्रिश्चियन को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर यानी कि जेवियर बार्टलेट को लेकर जा सकते हो, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। लियाम गटरी शायद आपको ना खेलता नजर आए, अगर खेलता नजर भी आएगा तो भाई आप ट्राई कर लेना, जीएल मिनी जीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्मॉलिंग में अगर आपको लेना तो भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग सॉरी बॉलिंग आए तो भाई आप थोड़े बहुत रिस्क लेके इसे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज भाई आप ड्रॉप करके चल लेना। वहीं अगर बात करें तो लॉर्ड पॉप आपको नहीं खेलता नजर आएगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर पी डोली की बात करें तो ये भी नहीं दिखेगा। वहीं अगर बात करें तो अभी के लिए भाई मेरा तीसरा बॉलर यहाँ पर एडन केयर ही होने वाला है, बाकी देखते हैं फाइनल टीम में मैं क्या चेंजमेंट करता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 1.5 क्रेडिट बचे तो आप ऐसे जैक एडवर्ड्स को ड्रॉप करके यहाँ से भाई आप क्रिस लिन के साथ जा सकते हो, ये भाई मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेहतरीन कॉम्बो बन जाएगा। अब यहाँ से बात करें सी वी सी की, तो देखो स्मॉल लीग में अगर आप खेल रहे हो तो आपको यहाँ से सीन अबाउट को आप कैप्टन बना सकते हो। किस कंडीशन में आपको कैप्टन बनाना है, जब भाई पहले बॉलिंग करती है सिडनी सिक्सर्स की टीम, क्योंकि उस टाइम पर ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेगा, स्टार्टिंग में गेंदबाजी करेगा, तो बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए हो जाएगा, ट्राई आप इसे कर सकते हो। मार्क स्टेगेटी को आपको आप मतलब एज ए वीसी आप ट्राई कर सकते हो, एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो जाएगा वीसी के ऑप्शन के लिए, तो इसको आप फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आए तो आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज आप ड्रॉप करके चल लेना। वही अगर बात करें तो बिल्कुल सेफ ऑप्शन आपके लिए जोस फिलिपे रहेगा, बट मैं जोस फिलिपे के साथ नहीं जा रहा अभी के लिए। भाई मोइसेस एंड्रीगोज मेरे को काफी अच्छा लग रहा है अभी, इसकी मतलब जो बैटिंग कर रहा है तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और भाई यहां पर थोड़ा सा इनफॉर्म लग रहा है, तो इसीलिए भाई मैं इसके ऊपर थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा। बाकी अगर आप चाहो तो आप किसी भी और को अपनी टीम में मैनेज कर सकते हो। मैक्स ब्राइट जीएल मिनी जीएल के लिए आपके लिए बेहतरीन पिक रहेगा, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप इसको ड्रॉप करके इसकी जगह पर कोई और बैट्समैन भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए भाई मेरे सीवीसी रहने वाले कैप्टन सीन एबॉट वॉइस कैप्टन भाई मोइसेस एंड्रीगोज। अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो आप ऊपर से जोस फिलिपे को ट्राई कर लेना, यहाँ से डैनियल क्रिश्चियन को ट्राई कर लेना, ये दोनों भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी बस मेरे हिसाब से मैंने अभी आपको जो सीवीसी दिए ऑलमोस्ट ये मेरे फाइनल है, बाकी अगर फिर भी कुछ चेंजमेंट होगा तो आपको अपडेट मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। आज भाई जो मैंस सुपर स्मैश का मैच खेला गया था उसमें भाई हमारे एक मेंबर की ग्रैंड लीग लगी है, जिसमें रैंक एक हमारे ही बंदे की आई है, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा और मैंने टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रखा है। आप थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे टेलीग्राम पर जाकर तो आपको वो मैसेजेस भी दिख जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।